मेरा दूध नाड़ी का एक्सपीरियंस ना बहुत ही अच्छा रहा। इसे जब मैंने फर्स्ट टाइम करवाया तो डॉक्टर साहब ने जो डायग्नोस किया एकदम से मैं हैरान रह गई। पहले ना मेरे को एसिडिटी की और डाइजेशन की प्रॉब्लम तो रहती थी, लेकिन खुद से अच्छे से पता नहीं लगता था। मैं इधर उधर से दवाइयाँ लेती रही। फिर मुझे भी किसी ने बताया दूध नाड़ी के बारे में, मैंने रजिस्टर किया, डॉक्टर साहब का कॉल आया। तो फिर जो उन्होंने बताया कि डाइजेशन की प्रॉब्लम है, वायु बढ़ती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर मुझे रूट कॉज पता चला मेरे को ये इतनी प्रॉब्लम्स क्यों रहती हैं। अक्सर सर में दर्द, गैस चढ़ती है तो सर में दर्द होना, कभी कंधों में, कभी बैक में। तो उन्होंने बताया कि ये वायु घूमती है और बॉडी में जगह जगह पेन करती है। फिर उन्होंने जो दवाई दी मैंने वो खाई और मुझे बहुत अच्छा भी लगा उससे, और मेरी हेल्थ वगैरह भी ठीक हुई। फिर उसके बाद मैंने बहुत से लोगों को करवाया, मतलब जो भी मेरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता ना तो इमिडिएटली मैं उसको ये कहती आप अभी दूध नाड़ी करवाओ। एक तो रिसेंट में किसी के साथ जा रही थी, उसने बोला मुझे ना डॉक्टर के पास जाना है, ये प्रॉब्लम है। इनके लिए डॉक्टर के पास बाद में जाना, पहले दूध नाड़ी करवाओ। फिर मैंने इमिडिएटली डॉक्टर साहब से बात की और उनको बोला कि अर्जेंसी में थोड़ी आपकी चाहिए कंसल्टेंसी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं अभी कर देता हूँ। उन्होंने किया, सब कुछ बताया। वही है ना, अपने विश्वास की बात है। उनको फिर भी था कि नहीं एक बार डॉक्टर से भी ले लूं कंसल्टेशन। वो दूध नाड़ी कराने के बाद गए डॉक्टर के पास, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो ले रखी थी। सेम वही चीज बताई जो डॉक्टर साहब ने बताई थी। उनका क्या लगा 3,000 खर्च करके आए हो? बात तो वही की वही रही। तो बेटर है ना फिर दूध नाड़ी कह लो। इसके बाद फिर एक और फ्रेंड है वर्ल्ड डॉन में मेरी, मैंने एडवांस कोर्स किया था उनके साथ, तो ऐसी डिस्कशन हो रही थी। उनको भी कुछ अपॉइंटमेंट लेनी थी डॉक्टर से, तो मैंने उनको बोला अभी आप रुक जाओ, पहले दूध नाड़ी कराओ। फिर उन्होंने दूध नाड़ी करवाया उनका। फिर मेरे पास फोन भी आया, थैंक यू दीदी आपने बड़ा अच्छा बताया, मेरे को बहुत फर्क है, और बहुत ही डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा डायग्नोज किया। फिर उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में लगी हुई है मेरी फ्रेंड है, वो ले लेती। उनको भी मैंने बताया मेरे साथ ना आजकल वो सेवा भी करती है, हम लोग टॉप वगैरह पे जाते हैं तो उसको बताया, तो उसने भी कराया। तो डॉक्टर साहब ने उनको बताया कि उनको किस किस चीज से एलर्जी है। पीट एलर्जी थी उनको, सूट नहीं कर रहा था वो, तो अब उन्होंने मिलेट्स वगैरह वो खाना शुरू किया है, बहुत फर्क है। फिर मैंने अपने सिस्टर का भी कराया, बिटिया का कराया, बेटे का कराया, और सोनीपत में सिस्टर्स का कराया, पांजी का कराया। कई लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये कैस क्या है, डॉक्टर कहीं और बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, कैसे बता सकते हैं। हाँ यूथ वो थोड़ा बोलते हैं कि ये कोई मैजिक थोड़ी है, ऐसे कैसे बता देंगे, ये सवाल आता है सामने से। तो क्या बताते हो दीदी? लेकिन बहुत अच्छा बताते हैं, मैं अपना ही बताती हूँ। मैंने कल ही करवाया, मैंने बड़े टाइम से ना कराया नहीं था, तो मेरे को आईज में बहुत पेन हो रहा था। मुझे 10 दिन से ऐसी हालत हो रही है मेरी, हेडेक भी और आईज में पेन भी। तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली, मेरी परसों की थी तो मेरे को पता नहीं चल पाया डॉक्टर साहब की कॉल का। फिर मैंने कल दोबारा उनसे कराया, कल सवा 6 बजे। तो देखते ही इन्होंने मुझे दो चीज बोली, मैं कहते हैं पहले आप इमिडिएटली ना कल से ही स्टार्ट करो, आधा कप दूध उसमें पानी में और आधा कप घी डाल के वो पीना शुरू करो, और साथ में नहाने से पहले आधा घंटा पहले मसाज करो बॉडी की ऑयल से, उसके बाद ना बाकी चीजें आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताता, पहले ही शुरू करो। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहते हैं प्रॉब्लम्स और भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है और भी हाइपर एसिडिटी है, लेकिन आपकी बॉडी में वायु इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसकी वजह से अंदर जो नसें हैं ना उनमें बिल्कुल तरल पदार्थ सूख ही गए, उसकी वजह से हेड में एक नस जाती है सिर के पास से जाती है, वो आइस को और उसको इफेक्ट करती है, तो इस वजह से मेरे इस जगह पे और पूरी आंखों में और ये पेन हो रहा है, मेरे शोल्डर में भी और बैक में भी, तो पूरी बॉडी में पेन जा रहा है, नसों में खिंचावट आ रही है क्योंकि उनमें कुछ द्रव ही नहीं है। अगर जब आप एक व्हीकल को लगातार चलाओगे और उसको ऑयलिंग नहीं करोगे उसका क्या हाल, तो वही आपकी बॉडी का हाल है। क्योंकि मैंने 6-7 महीने पहले कराया था, दवाई खाई मैं ठीक हो गई, कहा ठीक है मैं ठीक हूँ, मैंने छोड़ दिया। तो अभी कोर्स तो पूरा नहीं हुआ था ना, वो फिर अभी इन्होंने प्रेस्क्राइब किया है और बोला है कि ये मेडिसिन आप लो,
3 मंथ्स तक आप पहले लो, और उसके बाद फिर बनाना, और उसको छोड़ना नहीं है। और सबसे पहले तो जो वाटर का और ऑयल का बोला है वो जरूर करना है। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं टेस्ट कराऊं, मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उन्होंने मुझे ये बोला कि आपके B12 और विटामिन डी भी कम हो गए। मेरे पास लगातार कई बार ही बायोटेक कंपनी है वहां से फोन आ चुके हैं, फुल बॉडी चेकअप करा लो, फुल बॉडी चेकअप करा लो। और मैंने 2-3 महीने पहले कराया भी था, उसका क्या इफेक्ट हुआ बता दें। उन्होंने एक आधी चीज बताई, ये ठीक है वो ठीक है और करके, और कुछ भी नहीं। फिर फोन आ रहे थे, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मैं वहां से कराऊं या कहाँ से कराऊं। तो फिर ये ना कि नहीं, अपना आटा क्लिनिक का बड़ी ही बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए फिर मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। और भाई देखो, उन्होंने मुझे B12 भी बता दिया, मुझे विटामिन का भी प्रॉब्लम बता दी, और बाकी वायु की बताई कि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उसका मुझे पहले ट्रीटमेंट करना। अभी अभी आपने ये दूध नाड़ी का फीडबैक सुना। अगर आप भी दूध नाड़ी परीक्षण कराना चाहते हैं, ये फीडबैक आपको अच्छा लगा, तो आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूध नाड़ी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए, और उसका जो रिसिप्ट आता है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप डाल सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपका नंबर आ जाता है, डॉक्टर आपको आपके मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, वहाँ पे आपसे टाइमिंग पूछते हैं, और आपका दूध नाड़ी परीक्षण हो जाता है। मेक श्योर आप 2 घंटा खाली पेट रहें जिस वक्त आपका दूध नाड़ी परीक्षण हो रहा हो। और इसके बाद जो वो मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं श्री श्री तत्वा के, वो भी ज़रूर लें। ये गुरुदेव का श्री श्री वेलबींग का इनिशिएटिव है, इसको और ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ये सेवा ज़रूर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।